नमस्कार, मैं हूं करिश राठौर और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बात करते हैं कोर्ट की सुरक्षा को लेकर। लखनऊ कोर्ट में कल हुए हत्याकांड के बाद शाहजहांपुर पुलिस कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट नजर आई। यहां पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कोर्ट परिसर और उसके आसपास तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट के अंदर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा उपकरणों की जांच की। इसके अलावा कोर्ट परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए। निर्देश दिए गए हैं कि कोर्ट परिसर के अंदर जाने वाले सभी लोगों की गहन चेकिंग की जाए। इसके अलावा समय समय पर कोर्ट के अंदर अभियान चलाकर सस्पेक्टेड लोगों की चेकिंग की जाए। पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट परिसर और कोर्ट के बाहर तैनात सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। आपको बताते हैं कि एक साल पहले शाहजहांपुर कोर्ट में भी कोर्ट के अंदर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो है कि सभी जनपदों में सुरक्षा को चेक कर ले जाए न्यायालय को, और यहाँ पर सुरक्षा पूर्व से ही लगी हुई है और जिसका समय पर हम लोग चेक करते हैं। आज भी मेरे द्वारा और इंस्पेक्टर सदर और प्रभारी स्वच्छा नगर पूरा चेक किया गया ड्यूटियों को। सभी ड्यूटियाँ काम कर रही हैं। यहाँ न्यायालय में कुल 6 गेट हैं, इसमें से दो बंद रहते हैं, 4 से प्रवेश होता है। इन चारों ही गेटों पर हमारे सारे कैमरे काम कर रहे हैं, बैवेज स्कैनर हमारा काम कर रहा है, हमारी ड्यूटी मुस्तैद है। सबको चेक करके और परिचय पर देख कर प्रवेश दिया जाता है। जिनसे संदिग्ध होते हैं रक्त पूछताछ की जा रही है। और हमारे कंट्रोल रूम में भी ड्यूटियाँ लगी हैं जहाँ पर पूरा परीक्षण होता है और चेकिंग के द्वारा ही पाएगा कि परिसर में कैंटीन है, वहाँ पर कैमरे नहीं है। कैंटीन संचालक से वार्ता की गई है, उसने जल्दी वहाँ पर भी कैमरे लग जाएंगे।